पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया के भागलपुर में तीन अंचलों में अवस्थित संपत्ति को किया गया जब्त। देश भर के बड़े घोटालों में सुमार भागलपुर में हुए सृजन घोटाला मामले में आज सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद घोटाले में संलिप्त आरोपी और इससे जुड़े अन्य सफेद पोशों में हड़कंप मच। दरअसल आज सीबीआई की विशेष अदालत के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को तिलका मांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी निवासी अवधेश कुमार के पुत्र अमित कुमार और अमित की पत्नी यानी अवधेश कुमार की बहू रजनी प्रिया को 2.62 करोड़ की जमीन और मकान को जब्त कर लिया है। बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अफसर अरविंद पांडे पर की गई कार्रवाई के बाद राजनीतिक तेज। विपक्ष ने बताया डीजीपी के रेस से हटाने की साजिश। बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे पर की गई कार्रवाई के बाद राजनीति तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी राजद ने इस कार्रवाई को दुर्भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडे पर की गई कार्रवाई को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसकी तीखी आलोचना की है। नीतीश की मीटिंग के 24 घंटे के दरमियान ही अपराधियों ने सुशासन को किया तार। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को दिया अंजाम। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में कानून व्यवस्था की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। इधर सूबे के कुछ जिले में सीएम की मीटिंग के समय के बाद जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे थे अपराधी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग की के बावजूद भी अपराधियों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। गडकरी का बड़ा ऐलान, चिट्ठी मिला तो कोइलवर पुल बिहार के महान गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर होगा। कोइलवर में सोन नदी पर बने अपस्ट्रीम पुल का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया। गुरुवार को वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में NH 31 पर अवस्थित पटना के बक्सर परियोजना के बीच इस पुल के स्ट्रीम का निर्माण 266 करोड़ की लागत से हुआ। बिहार के कोइलवर में सोन नदी पर 158 वर्षों बाद नए पुल की सौगात मिली है। लालू को जेल या बेल, जमानत पर कल होगी झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की कल झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद को रांची के सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद ने वकील ने आधी अवधि पूरी कर लेने को आधार बनाकर अर्जी दाखिल की। फाइनेंस कर्मी को चाकू मारकर बदमाशों ने लूट लिए 1.5 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यूं तो बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन नालंदा जिले में भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार की बीती रात बदमाशों ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी को चाकू मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मौके पर जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाई। इस दौरान पुलिस ने जख्मी से पूछताछ भी की है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर मिले 595 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5732। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार जारी है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार राज्य में 595 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहाँ कोरोना के 261 नए मरीज मिले। 12 दिसंबर को राज्यसभा में लेंगे शपथ, विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध जीतने के बाद MLC के पद से आज इस्तीफा देंगे। मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे। सीएम नीतीश का आदेश भी पटना पुलिस पर बेअसर। कुख्यात रवि गोप को किसकी लापरवाही से मिली जमानत।
एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग पर मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पुलिस अधिकारी उनके निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना से गिरफ्तार किए गए 50,000 के इनाम कुख्यात रवि गोप की गिरफ्तारी होने के बाद 4 दिन के अंदर ही बेल मिल गयी। जिले में थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों को मारा चाकू, दरोगा का कॉलर पकड़ा। बिहार में लोगों को पुलिस का डर खत्म हो गया। अपराधी की तो बात छोड़िए, गांव के युवक तक पुलिस की पिटाई कर रहे हैं। हद तब हो गई जब थाने में घुसकर युवक ने पुलिस कर्मियों को चाकू मार दिया और दरोगा का कॉलर पकड़ लिया। यह घटना बक्सर के कृष्ण ब्रह्मा थाना का बताया जा रहा है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।